गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स, दिस इज हरीश गंगवार फ्रॉम एक्सीलेंस इंग्लिश क्लासेस एंड टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द पार्ट टू ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोरी ऑफ एन आवर बाय केट चॉपिन। सो आई होप दैट यू आर फिट एंड फाइन एट योर होम एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग द एक्सप्लेनेशन। सो गेट रेडी एंड बी क्वाइट, वॉच फुल वीडियो, पूरी वीडियो देखें, इससे अच्छा समझ में आएगा। और एक बार आप एक्सप्लेनेशन और समरी बहुत अच्छे से अगर समझ लेते हैं तो समझो आपका लॉन्ग क्वेश्चंस जो भी हैं बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो ऑल डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, टुडे दिस इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्टोरी। यहाँ से हम अब स्टार्ट करेंगे जब मिसेज मलाड आगे सोचने लगती हैं कि क्या होगा जब वो अपने हस्बैंड की डेड बॉडी देखेंगी। शी न्यू दैट शी वुड वीप अगेन व्हेन शी सॉ द काइंड टेंडर हैंड्स फोल्डेड इन डेथ। शी न्यू, जानती थी कि क्या होगा, वो फिर से रोएंगी जब वो अपने हस्बैंड की डेड बॉडी देखेंगी, उनके टेंडर सॉफ्ट हैंड्स को देखेंगे। द फेस दैट हैड नेवर लुक्ड सेव विद लव अपॉन हर, यानी वो फेस, यानी जिसको वो देखा करती थी या फिर वो चेहरा जो उन्हें देखा करता था प्रेम के साथ, फिक्स्ड एंड ग्रे एंड डेड। वो चेहरा कैसा होगा, फिक्स हो जाएगा, ग्रे यानी कलर चेंज हो जाएगा और डेड हो जाएगा। बट शी सॉ बियॉन्ड दैट बिटर मोमेंट अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ ईयर्स। नाउ शी इज़ नॉट सो सैड। वो क्या देख रहे हैं कि ये भी जो बिटर मोमेंट है इसके बियॉन्ड भी एक दुनिया है, इससे बाहर भी, अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ ईयर्स टू कम दैट वुड बिलोंग टू हर एब्सोल्यूटली। प्रोसेशन इज क्या है, एक बहुत बड़ा जुलूस, ईयर्स यानी कई साल ऐसे होंगे जो सिर्फ उन्हीं के होंगे, पूरी तरह वो टाइम उनका होगा, कोई और नहीं होगा। एंड शी ओपन्ड एंड स्प्रेड हर आर्म्स आउट टू देम इन वेलकम। तब मिसेज मलाड ने ये सोचते हुए क्या किया, जब उन्होंने सोचा कि आगे आने वाला समय सिर्फ मेरा है, मैं किसी के लिए जिम्मेदार नहीं होंगी, वैन आई विल लिव अलोन, तो अपने हाथों को खोल लेती हैं, फैला लेती हैं और जैसे स्वागत करते हैं किसी का, उस तरह से स्वागत करती हैं उन आने वाले वर्षों का। देर वुड बी नो वन टू लिव फॉर हर ड्यूरिंग दोज कमिंग ईयर्स। शी वुड लिव फॉर हर सेल्फ एंड शी सेज There would be no one to live for her during those coming years। कि आगे आने वाले जो भी years हैं, जो साल हैं, उनमें उसके लिए जीने वाला कोई नहीं होगा, बस वो सिर्फ अपने लिए जिएगी। There would be no powerful will bending hers in that blind persistence। और ना ही कोई ऐसी powerful will होगी, उसकी इच्छा होगी जो उसको bend करेगी यानी force करेगी, इन दैट ब्लाइंड परसिस्टेंस यानी उस ब्लाइंड परसिस्टेंस में ले जाने की, परसिस्टेंस यानी जो भी कोई देखता है या समझता है, जो थिंकिंग है उसमें ले जाने की, विद विच मैन एंड वुमेन बिलीव दे हैव अ राइट टू इम्पोज अ प्राइवेट विल अपॉन अ फेलो क्रीचर। कौन सी परसिस्टेंस, कौन सी थिंकिंग, कि मैन एंड वुमेन ये सोचते हैं कि उनका एक राइट मिल जाता है शादी करने के बाद कि वो अपनी प्राइवेट विल को, अपनी खुद की इच्छा को, अपने साथी की इच्छा पर क्या करेंगे, उस पर थोप देंगे कि हमारी इच्छा अब ये पूरी करेंगी। हस्बैंड की इच्छा होती है कि वाइफ पूरा करे, वाइफ की इच्छा होती है हस्बैंड पूरा करे, यानी एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करें, ये इच्छा होती है। तो वो कहती हैं कि अब ऐसी कोई पावरफुल विल नहीं होगी आने वाले सालों में। अ काइंड इंटेंशन और अ क्रूएल इंटेंशन मेड द एक्ट सीम नो लेस अ क्राइम। तो ये जो इंटेंशन था कि अब हम किसी के लिए नहीं जिएंगे, सिर्फ अपने लिए जिएंगे और कई ऐसी विल नहीं होगी जो एक दूसरे पर इम्पोज करने की सोचें, तो ये या तो काइंड इंटेंशन था या फिर क्रूएल इंटेंशन था। और जो एक्ट था उनका ये सोचने का, तो ये क्राइम से कम नहीं था। एज शी लुक्ड अपॉन इट इन दैट ब्रीफ मोमेंट ऑफ इल्यूमिनेशन, जब उन्होंने देखा था, इस इल्यूमिनेशन को देखा उस छोटे से टाइम में। इल्यूमिनेशन यानी हम किसी पर लाइट डालते हैं, कुछ फोकस डालते हैं इस छोटे से टाइम में,
उन्होंने इस चीज़ को सोचा, ये इरादा उनका जो सोचा कि वो आगे खुद जिएंगी, किसी के लिए नहीं जिएंगी, ना ही उन पर कोई विल थोपने वाला होगा, तो ये कहीं ना कहीं क्राइम से कम नहीं था उनके लिए सोचना, बिकॉज़ अभी अभी उनके हस्बैंड की डेथ हुई है और वो ऐसा सोचे जा रही हैं। फिर आगे वो सोचती हैं, एंड येट शी हैड लव्ड हिम समटाइम्स, यानी कहती हैं कभी कभी तो प्यार था ही बीच में, शायद ज़्यादा रहा हो या कम रहा हो। ऑफन शी हैड नॉट, वॉट डिड इट मैटर, यानी कभी कभी उन्होंने नहीं भी किया, कभी किया और कभी नहीं किया, वॉट डिड इट मैटर, यानी इसका मतलब क्या है, कोई मायने नहीं है इसके। वॉट कुड लव द अनसॉल्व मिस्ट्री काउंट फॉर इन फेस ऑफ दिस पोजिशन ऑफ सेल्फ असर्शन, कहते हैं कि जो लव है वो एक अनसॉल्व मिस्ट्री है और क्या काउंट करती है, यानी इसके क्या मायने हैं सामने, फॉर इन फेस ऑफ दिस पोजिशन ऑफ सेल्फ असर्शन, यानी जो सेल्फ असर्शन की पोजिशन आज हुई है, यानी खुद के वजूद को जो आज ढूंढा है, उस वजूद के सामने उस लव के क्या मायने हैं, कोई मायने नहीं है। विच शी सडनली रिकग्नाइज्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट इम्पल्स ऑफ हर बीइंग, यानी जिसको उन्होंने रिकग्नाइज किया, बिल्कुल इम्पल्स यानी नब्ज को, अपनी नब्ज को पहचाना, अपने वजूद को पहचाना, और वो स्ट्रॉन्ग पल्स थी, यानी जो वजूद को उन्होंने अपने पहचाना था कि मैं ही मैं हूँ, अब आगे कोई नहीं है, वो बहुत स्ट्रांग था, और उस वजूद के सामने प्यार कोई मायने नहीं रखता, उन्होंने ये सोचा। फ्री बॉडी एंड सोल फ्री शी केप्ट विस्परिंग, यानी वो विस्पर करती रहीं, फुसफुसाती रहीं, बार बार यही बोलती रहीं, फ्री बॉडी एंड सोल फ्री। जोसेफाइन वॉज नीलिंग बिफोर द क्लोज डोर विद हर लिप्स टू द की होल, जोसेफाइन घुटने के बल बैठी हुई थी, की होल से देख रही थी अंदर, इम्प्लोरिंग फॉर एडमिशन, और अंदर एडमिशन चाहती थी, यानी जाना चाहती थी अंदर, और कह रही थी, लुइस ओपन द डोर, आई बैग ओपन द डोर, यू विल मेक योर सेल्फ इल, वट आर यू डूइंग लुइस, फॉर हेवन्स सेक ओपन द डोर, क्या कहती हैं लुइस, दरवाज़ा खोलो, अंदर क्या कर रही हो, भगवान के लिए दरवाज़ा खोल दो, बस वो ये कहती हैं। जब उनकी सिस्टर उनको बुलाती हैं, तो जोसेफाइन जब बुलाती हैं तो मिसेस मिलार्ड बोलती हैं, गो अवे, आई एम नॉट मेकिंग माई सेल्फ इल, क्या कहती हैं मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, तुम चली जाओ यहाँ से। नो no. तो राइटर क्या कहते हैं, राइटर कहती हैं, शी वॉज ड्रिंकिंग इन अ वेरी एलेक्सिर ऑफ लाइफ, यानी वो तो रसपान कर रही थी, कहने का मतलब वो एलेक्सिर ऑफ लाइफ यानी जीवन में जो अमृत होता है, जीवन में जो आनंद है, बस उसको पी रही थी, यानी उसका आनंद ले रही थी वो सोच सोच कर, थ्रू दैट ओपन विंडो, यानी उस खुली हुई खिड़की से। हर फैंसी वॉज रनिंग राइट अलॉन्ग दोज डेज, और उसकी जो फैंसी, जो इमेजिनेशन थी, जो जो इमेजिनेशन उन्होंने की कि आगे आने वाली लाइफ में क्या होगा, तो वो बिल्कुल राइट की तरह काम कर रही थी, विद्रोह की तरह काम कर रही थी उन आगे आने वाले दिनों के खिलाफ। तो कौन कौन से दिनों के बारे में वो सोच रही थी, स्प्रिंग डेज एंड समर डेज एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ डेज दैट वुड बी हर ओन, यानी जितने भी दिन होंगे वे सिर्फ उनके होंगे। शी ब्रीद्ड अ क्विक प्रेयर दैट लाइफ माइट बी लॉन्ग, तो उन्होंने प्रेयर की, मनी मन में सोचा कि लाइफ जो है वो थोड़ी लंबी हो जाए, जिससे जो आने वाले दिन हैं उनको एंजॉय कर सकें। इट वॉज यस्टरडे शी हैड थॉट विद अ शडर दैट लाइफ माइट बी लॉन्ग, और कल ही उन्होंने इस बात को सोचा था कि लाइफ जो है वो लंबी हो जाए। शी अरोज एट लेंथ एंड ओपन द डोर टू हर सिस्टर्स इम्पॉर्चुनिटीज, यानी अपनी सिस्टर्स की रिक्वेस्ट पर उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। देयर वॉज अ फीवरिश ट्रायम्फ इन हर आइज, और उनकी आंखों में एक विजय थी, यानी उन्होंने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली, अपने गम पर, दुख पर विजय प्राप्त कर ली। एंड शी कैरीड हरसेल्फ अनविटिंगली लाइक अ गॉडेसेस, यानी जब वो बाहर आई तो उनके चेहरे पर ऐसी फीलिंग दिख रही थी कि जैसे कोई देवी चली आ रही हो, जिन्होंने बहुत बड़ा संग्राम जीत लिया हो, गॉडेस ऑफ विक्ट्री, यानी बिल्कुल विजय की देवी। शी क्लास्प्ड हर सिस्टर्स वेस्ट
एंड टुगेदर दे डिसेंडेड द स्टेयर्स। तो मिसेस मलार्ड ने अपनी सिस्टर की वेस्ट को पकड़कर उनकी कमर पर हाथ रखकर वो चलने लगीं सहारे के लिए, सपोर्ट के लिए, और अपने रूम से स्टेयर्स के सहारे नीचे उतरने लगीं। रिचर्ड्स स्टूड वेटिंग फॉर देम एट द बॉटम। बॉटम मीन्स यानी जो उनके नीचे का जो आंगन था उसमें रिचर्ड इंतज़ार कर रहे थे, अभी गए नहीं थे रिचर्ड वापस। और अब जो रियल एक्सीडेंट होता है यहाँ होता है। समवन वॉज ओपनिंग द फ्रंट डोर विद अ लैच की। यानी अब जो कोई इंसान एक दरवाज़ा खोल रहा था बाहर से लैच की, यानी दरवाजे में एक अलग तरह की जो बंद करने वाली, या तो फिर डंडा होगा इस तरह से, या फिर जो ऊपर से लैच की लगाते हैं इस तरह से जिसको सरकाया जाता है इधर उधर, तो उससे दरवाज़ा खोल रहे थे। मिस्टर मलार्ड आ चुके हैं। इट वाज ब्रेंटली मलार्ड। इनका नाम क्या है? ब्रेंटली मलार्ड। उनकी वाइफ का नाम लुइस मलार्ड। वो एंटर्ड अ लिटिल ट्रेवल स्टेन कंपोजली कैरिंग हिज ग्रिप सैक एंड अम्ब्रेला। तो ट्रेवल स्टेन यानी बिल्कुल थके हुए थे, और मतलब कपड़े भी उनके गंदे हो चुके थे ट्रैवल की वजह से, और ग्रिप सैक उनके हाथों में था यानी एक बड़ा सा बैग और एक अम्ब्रेला। ही हैड बीन फार फ्रॉम द सीन ऑफ द एक्सीडेंट। यानी वो तो जहाँ एक्सीडेंट हुआ था उस जगह से बहुत दूर थे, उसके आसपास तक कहीं नहीं थे। एंड डिड नॉट इवन नो देयर हैड बीन वन। और उन्हें ये भी मालूम नहीं था कि रियल में कहीं एक्सीडेंट हुआ भी है या नहीं है। उन्हें कुछ भी मालूम नहीं है। उन्हें ये भी पता नहीं कि घर में क्या हो रहा है, घर में कौन सी न्यूज़ चल रही है। मेरे मरने की न्यूज़ घर में चल रही है, उन्हें ये भी पता नहीं है। ही स्टूड अमेज्ड एट जोसेफाइंस पियर्सिंग क्राई। स्टूड अमेज्ड यानी वो खड़े थे और बहुत हैरान थे जब जोसेफाइन चीखने लगी। पियर्सिंग क्राई यानी जो आँखों में बिल्कुल, मतलब जो कान में बहुत तेज लगती है, बहुत तेज़ आवाज़ चीखने की। वो रिचर्ड्स की तरफ चीख रही थी, चिल्ला रही थी। क्विक मोशन टू स्क्रीन हिम फ्रॉम द व्यू ऑफ हिज वाइफ। यानी रिचर्ड ब्रेंटली मलार्ड को मिसेस मलार्ड के सामने ना आने दें, उनके सामने से उनको हटा लें। इसलिए क्या किया, जोसेफाइन बहुत ज़ोर से चिल्लाई। बट रिचर्ड्स वॉज टू लेट। लेकिन रिचर्ड ने देरी कर दी, यानी वो नहीं कवर कर पाए उनको। तो क्या हुआ, उनकी डेथ हो गई। व्हेन द डॉक्टर्स केम दे सैड शी हैड डाइड ऑफ हार्ट डिजीज ऑफ द जॉय दैट किल्स। तो क्या कहते हैं डॉक्टर कि इनकी जान हार्ट डिजीज की वजह से गई है, हार्ट अटैक की वजह से। और ये हार्ट अटैक खुशी की वजह से आया था बजाय गम के, क्योंकि अब उन्हें बहुत खुशी हुई देखने से और खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाई और विदा हो गई दुनिया से। स्टोरी फिनिश हो चुकी है। अब भी कोई पैराग्राफ, कोई लाइन, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आप कमेंट में डाल सकते हैं। एंड पुट योर कमेंट्स। आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, उनसे पता चलता है कि एक्सप्लेनेशन कैसी आ रही है, क्या उसमें हमें चेंज करना है, क्या हम और कर सकते हैं आपको बेटर करने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिन लोगों ने नहीं किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।